ओके, इट इज़ लक्ष्मी सर, स्टैंडर्ड 11th। आज हम लोग स्टैंडर्ड 11th के अंदर लेसन नंबर 6 के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले का वीडियो में हम लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने बात किया, जहाँ पे हम सिंपल परचेज बुक के बारे में बात किए। आज हम लोग उसी के अंदर कॉलमनर परचेज बुक हम लोग बात करें, जहाँ पे कॉलमनर हम बात कर रहे थे। दो तरह का कॉलमनर परचेज बुक आता है, एक गुड्स परचेज बुक आएगा और एक एक्सपेंस परचेज बुक आएगा। मतलब कॉलमनर परचेज बुक विथ गुड्स और कॉलमनर परचेज बुक विथ एक्सपेंस। तो आज जो हमारे जो सम है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके अंदर हम लोग आज गुड्स रिलेटेड परचेज बुक हम लोग देख रहे हैं। मतलब परचेज कॉलमनर परचेज बुक विथ डिफरेंट गुड्स के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पे आपका टेक्स्ट बुक में आप जाएंगे तो उधर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इधर लिखा है प्रिपेयर कॉलमनर परचेज बुक ऑफ श्री गड्डा स्टोर्स। तो हम लोग पहले एडिट लिखेंगे कॉलमनर परचेज बुक ऑफ श्री गड्डा स्टोर्स, ठीक है। और इसका टेबल इस तरह से बनेगा, सिंपल परचेज बुक जो है सेम वैसे ही टेबल सिंपल परचेज बुक की जैसा ही बनेगा, लेकिन इधर थोड़ा सा फर्क है। क्या है, जहाँ पे हम अमाउंट लिखते हैं वो अमाउंट में अपन को थोड़ा सा डिफरेंस अपन को देखने के लिए मिलेगा। इधर आएगा पहले में अपन को डेट, ठीक है, डेट आएगा। उसके बाद नेम ऑफ द सप्लायर, मतलब सामान मेरे को कौन दे रहा है उसका नाम, नेम ऑफ द सप्लायर। इसके बाद LF, तो हमने उसमें भी देखा कि LF आएगा। और उसके बाद आएगा आईआई नंबर, मतलब इनवर्ड इनवॉइस नंबर। अभी इधर जो अगर हम लोग देखेंगे तो कितना टाइप ऑफ गुड्स मेरे पास है, तो इधर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको क्लियरली पता चलेगा। मेरे पास जो है एक टीवी है, एक रेफ्रिजरेटर है, एक वॉशिंग मशीन है, तीन तरह का गुड्स है। तो आप लोग को भी इधर कॉलम कितना बनाना है, तीन तरह का कॉलम बनाना है। तो हम लोग पहला बना रहे हैं टीवी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बना रहे हैं रेफ्रिजरेटर, फिर इसके बाद आप लोग बना रहे हैं वॉशिंग मशीन। तो ये तीनों का टोटल का एक कॉलम आएगा, दैट इज टोटल रुपीज भी आप लोग लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से आपका टेबल बनेगा। तो ये टेबल के बाद आपको क्या करना है, अभी क्वेश्चन देखेंगे। परचेज ऑफ 10 TV सेट, 10 TV सेट्स करता है, एक का दाम कितना है, 30 रुपया है, एक का 30 रुपया है। 5 रेफ्रिजरेटर्स का दाम है, एक का 15,000 रुपया है। और 2 वॉशिंग मशीन का रहता है, एक का 1,800 रुपये। मतलब एक का दाम दिया है लेकिन मैं एक से ज़्यादा खरीदा हूँ। तो अगर मुझे उसका अमाउंट लिखना है तो उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करके उसका अमाउंट आएगा। साथ में एक और चीज दिया है, क्या है, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट भी दिया। मतलब हर जगह पे मेरे को ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करके दिखाना पड़ेगा। और खरीदा किससे, हमने खरीदा है श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स। और कैश दिया है क्या वो देखना है, कैश दिया या नहीं दिया वो आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कैश अगर दिया होगा तो कोई एंट्री आपको इसके अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर कैश नहीं दिया, मतलब अगर उधारी होगा या क्रेडिट ट्रांसैक्शन होगा तो ही अपन को परचेज बुक में इधर लिखना है। तो अभी हम लोग वापस देख लेते हैं। परचेज ऑफ 10 TV सेट्स 30 रुपीज ईच, 5 रेफ्रिजरेटर 15,000 पर पीस एंड 2 वॉशिंग मशीन 18,000 पर पीस एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स और इनवॉइस नंबर में। मतलब कहीं पे भी ये वर्ड बताया नहीं है कैश पेड है, मतलब ये उधारी है। तो उधारी है हम लोग इसलिए हम इसको इधर लिखना है। तो 2015 में एक क्या क्या लिया हम लोगों ने, टीवी सेट और सब लिया, किससे लिया, मेन किससे लिया वो देखना है। ये है श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, तो आप उनको वो नाम इधर लिखना है, श्री दया इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स, ठीक है, नेम ऑफ द सप्लायर। अभी LF का आपको हमेशा खाली रहेगा, लेकिन इनवॉइस नंबर इधर दिया है, दैट इज कितना है इनवॉइस नंबर 100। तो इनवॉइस नंबर इधर आएगा। इसके बाद अगर टीवी है तो टीवी का 30,000 एक का है और 10 TV है, तो 30,000 × 10 आपको करना है, तो मेरा कितना आ रहा है इधर, 3,00,000 आ रहे हैं। तो 3,00,000 का और एक उपयोग क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट है, वो ट्रेड डिस्काउंट आपको इधर से माइनस करना है 10%। अगर 10% अगर हम इसका 10% अगर हम लोग निकालते हैं तो 30,000 आए, मतलब 30,000 मुझे इधर माइनस करना है, तब जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आपको टीवी में लिखना है, 2,70,000, ठीक है। ये बात समझ में आया,
मतलब जो अमाउंट मेरा टीवी सेट है 30,000 × 10 3 लाख आएगा, 3 लाख का 10% रेट डिस्काउंट है, वो आपको माइनस करके 2,70,000 आता है। ये 2,70,000 मेरे को इधर अमाउंट देंगे। वैसे ये हर एक चीज का, इवन रेफ्रिजरेटर ले लो, वॉशिंग मशीन ले लो, हर जगह पे आपको क्या करना है, 10% माइनस करके आपको लिखना है, क्योंकि वो ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते है। तो ये हो गया 5 × 15,000। 5 × 15,000 कितना होता है, 75,000 होता है। तो 75,000 का 10% मतलब 7,500 इसका माइनस कितना आएगा मेरे को, 67,500 है। तो रेफ्रिजरेटर में हम लोग लिख रहे हैं 67,500। और दूसरा है 2 वॉशिंग मशीन है 18,000, तो 2 × 18 36,000 आएगा। 36,000 का 10% 3,600, ये भी मुझे माइनस करना है, 400 आएगा। 2 ये 3 मतलब इसका आया 32,400। ओके, तो ये अमाउंट मुझे क्या करना है, प्लस करना है 27,270,000 67,500 एंड 32,500। ये टोटल आपको इस जगह पे अमाउंट आएगा। तो अगर प्लस करते हैं 4 + 5 = 9, ठीक है, 2 7 2 7 भी 18,009 होता है, 3 9 9 7 15 और ये 2 है, तो 3,59,900 रुपीस मेरा फर्स्ट कॉलम हो गया। अभी सेकेंड हम लोग देखते हैं, May 7 परचेज फ्रॉम श्री तारक इलेक्ट्रिक स्टोर। हमने क्या किया, तारक इलेक्ट्रिक स्टोर से खरीदा, क्या खरीदा, 5 पीस ऑफ टीवी है, 25 पर पीस है, मतलब ये टीवी 25,000 का है और हमने ऐसे 5 खरीदा। 10 रेफ्रिजरेटर है 16,000 पर पीस, मतलब ये रेफ्रिजरेटर 16,000 है, ऐसा हमने 10 खरीदा। उसके बाद मेरा ट्रेड डिस्काउंट है, रिसीव्ड ऑफ ऑफ द अमाउंट, आधा पैसा मेरे को मिला, रिसीव्ड ऑफ ऑफ द अमाउंट विद इनवॉइस नंबर। ओके, तो इधर जो है हमने परचेस किया कितना का, 5 टीवी है, 10 रेफ्रिजरेटर, और इनवॉइस मेरे को मिला हाफ अमाउंट का, इनवॉइस मिला 151 इनवॉइस नंबर, मतलब हाफ अमाउंट का इनवॉइस मिला, मतलब क्या, मेरे को एक बिल दिया उसने, आधा पेमेंट आपने दिया ऐसा बोल के। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इधर, किससे खरीद रहे हैं, श्री तारक इलेक्ट्रिकल। हमने कल भी बात किया था, अगर हाफ पेमेंट होता है, आधा पैसा आप दिए हो तो भी मुझे परचेज बुक में पूरा दिखाना पड़ेगा और उसके लिए एक नोट लिखेंगे जहाँ पर हम लिखेंगे कैश बुक में आप अमाउंट लिखा जाएगा, ऐसा भी हम लोग नोट लिखना है। ये हमने कल भी सिंपल परचेज बुक में देखे। इन द सेम वे May 7 किससे खरीदा, श्री इधर लिखा हुआ है श्री तारक इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रिकल स्टोर्स, ठीक है, और इनवॉइस नंबर दिया है कितना मेरा 151, तो इनवॉइस नंबर 151 कितना कहेगा मैंने, 5 है 25,000, तो 25,000 × 5 125,000 है, और ट्रेड डिस्काउंट भी है मेरा 10%, तो इसका 10% अगर हम लोग निकालेंगे तो 12500 आएगा, मतलब कितना है मेरे को 11,250 मेरा कैश अमाउंट है। वो कैश अमाउंट आपको कहाँ पर लिखना है, क्यू में, 1,12,500। ओके, वैसे ही रेफ्रिजरेटर है 16,000 का, 10 हमने खरीदा, तो 16,000 × 10 तो 1,60,000 ही आ रही है। इसका तो हमको क्या करना है, 10% माइनस करना है, तो हम लोग 10 कट करें तो 10% आ जाएगा इधर, तो 4,000 A4 A1, मतलब रेफ्रिजरेटर में 1,44,000 मेरे को आ रही है। मतलब इधर तो हमको दो ही है, तीसरा अपने पास है ही नहीं, तो तीसरा नहीं है इसका हम लोग इसको डैश करेंगे और इसके बाद इसका टोटल करके हमको इधर लिखना है। तो ये हो गया 500 + 2 = 6 4 + 1 = 5 और 1 + 1 मतलब 2,56,500 इसका अमाउंट मिल पाए। अब हम May 12 का अगर हम लोग देखते हैं, किसका, May 12 का, अगर May 12 का अगर हम लोग देखते हैं तो क्या लिखा है, परचेज ऑफ साइकिल, क्या है, साइकिल है, साइकिल इज एसेट। हमने बात कर दी, इधर हमको एक नोट भी लिखना है May 7 का, तो वो नोट हम लोग इधर लिखते हैं नीचे नोट, ठीक है, तो May 7 ऑफ मंथ पेड इज
रिकॉर्डेड इन कैश बुक, सिंपली हम लोग लिख लेते हैं। और बे टूबल का मतलब आपको क्या करना है, जो इसके अंदर नहीं आता है उसका रीजन भी आपको नोट में लिखना पड़ेगा। तो मेक टूबल का हमने क्या बोला, परचेज साइकिल है। साइकिल क्या होता है, असेट होता है। हमने कल बात किया था, अगर परचेज बुक आप करते हो सिर्फ गुड्स रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन आप उनको लिखना है, असेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन आप उनको नहीं लिखना है। तो साइकिल क्या है, असेट है, तो इसलिए वो ट्रांजैक्शन आपको इसके अंदर नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लोग नोट लिख रहे हैं, परचेज ऑफ साइकिल इज एन असेट, सो इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। कहाँ लिखते हैं इसको, जर्नल प्रॉपर में हम लोग इसको लिखते हैं। तो हो गया, तो मे 20 देखते हैं, परचेज ऑफ 5 रेफ्रिजरेटर 20,000 ईच एंड 10 वॉशिंग मशीन 15,000 ईच एंड ट्रेड डिस्काउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट है फ्रॉम श्री आत्माराम स्टोर्स और कैश दिया लास्ट में कैश पेड। कैश पेड आपका टेक्स्ट बुक में दिया है, कैश पेड इमीडिएटली, कैश पेड इमीडिएटली। तो अगर इमीडिएटली कैश दे दिया मतलब क्या होता है, वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। तो कैश ट्रांजैक्शन हम परचेज बुक में लिखते नहीं है। तो इसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नोट लिखना पड़ेगा, मे 20 इट इज ए कैश ट्रांजैक्शन एंड सो इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो भी कैश ट्रांजेक्शन होता है उसको कैश बुक में लिखते हैं, ठीक है। तो कैश बुक में लिखते हैं इसलिए इधर मेरे को नहीं आया। अभी हम 25 देखते हैं, प्लेस एन ऑर्डर। क्या था इधर, ऑर्डर, ऑर्डर इज ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। जो भी ऑर्डर होता है वो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होता है, और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है हम बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं, ये भी हमने कल बात किया था। तो 25 में मुझे क्या आएगा, नोट आएगा, मे 25 इट इज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सो इट इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, ऐसा आपको जो भी ट्रांजेक्शन था उसके नोट लिखना पड़ेगा। और लास्ट एक वन है 31, फ्रॉम श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रिकल स्टोर्स परचेज 5 पीस ऑफ टीवी 30,000 ईच एंड 5 वॉशिंग मशीन 23,000 पर पीस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो ये अपन को कहीं भी कैश पेड नहीं दिया है, तो ये मेरे को उधारी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो इसको मुझे बुक ऑफ परचेज में लिखना पड़ेगा। तो मे 31 है श्री गोकुल धाम इलेक्ट्रिकल स्टोर, ठीक है, बिल नंबर दिया है 123। अभी हम लोग क्या करना है, इधर इंटू करना है वापस 30,000 इंटू 5, 30 × 5 कितना होता है, 5 × 3 = 15, मतलब 150,000, 150,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो इधर आएगा 15,000 माइनस, मतलब 135,000 टीवी का। वैसे ही वॉशिंग मशीन है 23,000 और यह कितना है 5 है वो भी, तो 23,000 × 5 = 0,0,0, 3 × 15 × 6 = 17, 75,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये आएगा 67,500। क्वेश्चन के बाद मुझे क्या करना है, लास्ट में पूरा टोटल मेरे को करना है, जो भी अमाउंट इधर दिया है वो अमाउंट मुझे टोटल करके इधर सामने क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल
क्रेडिट परचेज भी लिख सकते हैं या टोटल क्रेडिटर्स भी लिख सकती है, टोटल क्रेडिट परचेज भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करना है मुझे, इसको टोटल करना है। तो ये 500 है, 5 प्लस 2 7, 3 10 1 11 5। तो ये हो गया 500, 7 4 11 10 1 11 8 2, और ये 900, 7 2 9 6 3 9। अब वैसे ये भी टोटल करना है, 10 प्लस 5 9 18 11 8,18,900 अपना टोटल है। अब ये टोटल जो है इधर से भी चेक करेंगे तो भी सेम होना चाहिए, और इधर से चेक करेंगे तो भी ये अमाउंट जो है आपका सेम होना चाहिए, तभी अपना टोटल सही होगा। ओके, तो इस तरह से आपको कॉलमनर परचेस बुक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके।